नमस्कार, आज मैं आपको चिकन हांडी कैसे रेस्टोरेंट स्टाइल बनाते हैं वो आपको दिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए हमको चिकन चाहिए जो है 450 ग्राम्स। उसके लिए उसको अच्छे से मैरिनेट करके, क्लीन करके, साफ़ करके उसको मैरिनेट करने का। उसके लिए अपने को दही, हल्दी और नमक का चाहिए और उसको अच्छी तरह से मिला के उसको अपन 3-4 घंटे के लिए रख देगा। फिर उसके बाद अपने को कांदा चाहिए, कांदा स्लाइस किया हुआ और एक हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धना पाउडर, जीरा पाउडर, मेथी के दाने और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए बनाते हैं चिकन हांडी रेस्टोरेंट स्टाइल। एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। अब उसके अंदर हम लोग कटे हुए प्याज और हरी मिर्च डाल के उसको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। एक छोटा चम्मच मेथी के दाने भी डालेंगे अपन और उसको भी अच्छी तरह से मिलाएंगे। प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब उसके अंदर हम लोग डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस कम करके हम लोग अभी पाउडर स्पाइसेस डालेंगे, मसाले डालेंगे। उसके लिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, फिर धना पाउडर 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और उसको अच्छी तरह से मिलाइए। उसका रॉ स्मेल जाना चाहिए, कच्चापन जाना चाहिए मसालों में। उसको अच्छी तरह से मिलाइए। फिर उसके बाद मैरिनेटेड चिकन डालिए आराम आराम से और उसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। गैस को कम ही रखिए। एक कटोरी पानी डालिए और गैस को मीडियम रखिए। एक उबाल आने दीजिए, फिर उसको ढक के 20 से 25 मिनट तक कुक कीजिए। चिकन अभी मस्त उबाल रहा है। अब इस स्टेज में हम लोग थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा नमक स्वाद अनुसार और उसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। तो ये है मेरा चिकन हांडी रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस है। और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और अच्छे अच्छे वीडियोस मेरे चैनल पे है, सो देखना मत भूलिए अनुप्रिया रेसिपीज़। सो